सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाराजगंज में 940 करोड़ की 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। जिले के मिनी गोरक्षनगरी चौक बाजार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जिले को यह सौगात दी। चौक नगर पंचायत के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि देने के साथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब विकास का बोलबाला है, बिना भेदभाव के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। कल्याणकारी योजनाओं से लोग तरक्की की राह पर चल रहे हैं और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, सदर विधायक जयमंगल कनौजिया, सिसवां विधायक प्रेम सागर पटेल, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। डीएम अनुनय झा, सीडीओ अनुराग जैन मंच परियोजनाओं के लाभार्थियों को सहायता वितरित करने में सहयोग करते रहे। देखें खास रिपोर्ट। आज तो उत्तर प्रदेश के पास अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल के सभी कॉलेजेस को अपने साथ एप्लीकेशन देता है। आयुष विश्वविद्यालय है, जो आयुष से जुड़े हुए, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इनसे जुड़े हुए कॉलेजेस को अपने एप्लीकेशन देने के साथ ही उत्तम शिक्षा इस फील्ड की दी जा सके, आयुष विभाग की दी जा सके, इसके लिए भी वह कार्य कर रहा है। प्रदेश के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज भी हैं। राज्य सरकार के द्वारा तेजी के साथ नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे कार्य करते हुए बढ़ करके उत्तर प्रदेश को भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित न कर रहा हो। यह लगातार प्रयास करने का परिणाम है। आज हमारा यह प्रयास इस दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मेडिकल कॉलेज जहां पर स्थापित है, यह केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, केएमसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहां पे उत्तम आरोग्यता की सेवा तो प्रदान कर ही रहा है, देश के लिए अच्छे डॉक्टर भी दे रहा है, देने का कार्य करेगा, लेकिन साथ साथ हजारों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना का भी एक माध्यम बना है। ये जो निवेश है, ये विकास इसी आधार पर होने जा रहा है कि विकास का कार्य इस आधार पर होगा कि विकास के साथ साथ आरोग्यता के लिए, रोजगार के लिए नए अवसरों को हम आगे बढ़ा सके। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।